तो पिछले क्लास में हम लोग 12 खड़ी समझ चुके हैं, लेकिन चलिए थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सी एच से होगा च, सी एच ए से हो जाएगा चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग और सी एच ए एच से हो जाएगा च। टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू और टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टंग और टी ए एच से ट। एन से न और एन ए से होगा ना, एन आई से नी, एन डबल ई से हो जाएगा नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से हो जाएगा नौ, एन ए एन से नंग और एन ए एच से हो जाएगा न। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बे, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। उसी तरह से आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रौ, आर ए एन से रंग, आर ए एस से रह। एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सु और एस डबल ओ से सु, एस ई से, एस ए आई से सई, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग और एस ए एस से स। उम्मीद है कि ये आपको 12 खड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।